इस क्षेत्र के रहीवासियों के साथ साथ ब्लॉक अध्यक्ष इस नाते मैं इतना खुश हूँ कि प्रदिग्लगार से इस रोड की, इस बस्तियों के लोगों की डिमांड थी। राउत साहब जैसे ही मिनिस्टर बने ये रोड को उन्होंने प्राधान्य दिए थे। 2021-22 को उन्होंने 18 कोटी रुपए सैंक्शन किए थे, उसका निविदा तो निकल चुकी थी लेकिन कुछ कारणवश रिटेंडर हुआ। रिटेंडर होने तक वो 22 आया, 22 में सरकार गिरने के बाद ये काम रोका गया। वो काम होना चाहिए इसलिए राउत साहब को कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट के आदेश के अनुसार आज इस बड़े रोड का काम आज यहाँ होने जा रहा है। सही मायने में मैं इस इलाके का एक नागरिक होने के साथ साथ यहाँ के जो लोग है हमेशा भाव के माध्यम से, मेरे माध्यम से भाव तक हम पहुँचते थे, ये डिमांड हमने रखे। आज सही में इस एरिया के लोगों की जो डिमांड थी पूरे होने जा रही है। इसके लिए हम हमारे उत्तर नागपुर के सम्माननीय आमदार डॉक्टर नितिन राउत, भूतपूर्व पालक मंत्री, इनको मैं बधाई देता हूँ। यहाँ के नागरिकों की तरफ से मैं धन्यवाद भी देता हूँ। कितने मीटर का है और बोला? पिछले तकरीबन 7-8 साल से यहाँ की जनता इस रोड को लेकर बेहद परेशान थी। पहले तो यहाँ WBM भी नहीं था, वो WBM कराया गया, तत्पश्चात इसे मैंने मंजूरी दी। तकरीबन 18 करोड़ रुपया लगाकर यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जाए और वही सीमेंट रोड कामठी रोड के साथ मिला दिया जाए, साथ में उसकी एक ब्रांच फार्मेसी, गुरु नानक फार्मेसी कॉलेज है उस तरफ भी जाए, इस प्रकार की रचना इसकी थी। यहाँ समर्थ नगर में एक पोस्ट ऑफिस है, वहाँ से इसकी शुरुआत होगी, वहाँ तक के रोड आ चुका है। दूसरा, वहाँ से ये रोड तकरीबन 1260 मीटर लंबा यह रोड जाएगा। मैं समझता हूँ कि बहुत सालों की जद्दोजहद के बाद इस इलाके का भाग्य खुलने वाला है। फिलहाल शहर में अगर हम देखा जाए तो शहर में हमारे इलाकों को यानी खास करके उत्तर नागपुर को वंचित रखने का काम हो रहा है, चाहे वो भाजपा की प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो या यहाँ के संसद हो। हमारा क्षेत्र चिकनगुनिया से बढ़ गया है, डेंगू से बढ़ गया है। 1900 लेआउट में जो निधि हमको मिलना चाहिए था, जिसके तहत हमने यहाँ का डेवलपमेंट करना चाहिए था, वो निधि भी इन्होंने पूर्व नागपुर और दक्षिण नागपुर में ले जाने का काम किया और एक प्रकार से उत्तर नागपुर को उससे दूर रखा। उत्तर नागपुर पिछड़ा कैसा होगा, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम चल रहा है। महानगर पालिका में भी उन्हीं का राज है, नागपुर सुधार प्रन्यास में भी उन्हीं का राज है, वो मनमानी राज चल रहा उनका, लेकिन हम लड़ रहे हैं, हम लड़ाकू है। उत्तर नागपुर की जनता का आशीर्वाद प्राप्त होने के वजह से वे मेरे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस प्रक्रिया में शामिल है, इसलिए यह जीत हमको उच्च न्यायालय के माध्यम से प्राप्त हुई है और आज उसका भूमि पूजन हमने यहाँ पर किया है। इसके पहले उत्तर नागपुर में हमने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज लाया था और वह गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भी यहाँ से अपने मतदार संघ में निर्वाचन क्षेत्र में ले जाने का, दक्षिण पश्चिम मतदार संघ के MLA ने काम किया, तब ये यहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। यह बात उत्तर नागपुर की जनता भली भांति जानती है, भूली नहीं है और निश्चित रूप से आज वे कुछ भी कहे, जैसी करनी वैसी भरनी रहती है। नाग नदी ने दिखा दिया उनका असल चेहरा कि नागपुर क्या है। अगर हमारे साथ वैसा बर्ताव करेंगे तो उनके साथ भी बर्ताव होने वाला है और वो बर्ताव यहाँ पर नाग नदी ने अपने प्रलय के द्वारा यह दिखा दिया है। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ के तमाम लोग खुश है, कोशिश हमारी रहेगी कि यह काम जल्द से जल्द हो। कई अड़ंगे आए, इन्होंने महानगर पालिका के द्वारा, इन्होंने WBM तो किया ही नहीं था, WBM हमने किया, डामरीकरण करने का भी काम कोशिश की, लेकिन हमने लड़ा और आज सीमेंट रोड के रोड का यह भूमि पूजन है संपन्न हुआ। सोशल मीडिया आज जो भूमि पूजन हुआ है इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, यानी हम लोग आज से 10 से 15 साल से हम प्रयास कर रहे हैं और ये एरिया में मैं 30 साल से रह रहा हूँ, एरिया में 30 साल से
हमारा एनआईडी का प्लाट है, लीज वाला है, तब भी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। आप पूरे रोड देख रहे होंगे, कई सालों से रोड की दुविधा ऐसी पड़ी है, पूरे गड्ढे पड़े हैं रोड के ऊपर, कोई ध्यान देना। हमने हमारी मित्रमंडल संस्था है, जनसेवा मित्रमंडल बहुत सारी संस्था है जो अभी अभी हमने ओपन किए चार्टर्ड कमिश्नर ऑफिस से, हमने इनके माध्यम से हमने नितिन राव साहब को लेटर दे के, हमारे सतीश पाली जी है उपाध्यक्ष है, भागवत भैया अध्यक्ष है हमारे जनसेवा मित्रमंडल के, और नरेश ठाकुर जी हमारे सेक्रेटरी है। इनके प्रयास से हम लोग नितिन राव साहब को बार बार हमने पत्र दे के इनको हमने कहा कि भाई रोड जो रोड है ये रोड का कुछ तो भी हल निकालिए। तो साहब ने हमारी बात सुने, और बात सुनने के बाद उन्होंने लगातार प्रयास करने के बाद हमने फिर उन्होंने हमारी बात सुनने के बाद उन्होंने अब ये रोड का भूमि पूजन किए है। अब ये रोड जल्दी से जल्दी काम चालू हो जाएंगे इनका वाला, और ये रोड हम लोग चाह रहे हैं कि ये रोड डायरेक्ट कामटी रोड पे टच हो जाए, समर्थ उपलवाड़ी पोस्ट ऑफिस समर्थ नगर से डायरेक्ट कामटी रोड मेट्रो स्टेशन तक ये रोड पूरा ओपन हो जाना चाहिए। बीच में जो दीवाल बनी है वहाँ पे एक जन ने अतिक्रमण करके दीवाल बनाए, वो रोड ब्लॉक करके रखे, ये रोड सीधा डीपी रोड है, ये सात बारह है, नागपुर सुधार पन्यास का नाम लिखा है सात बारह के ऊपर,